पहली बार ये छेद जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल नहीं था? नहीं, बिल्कुल चमड़ी है बराबर जी। अच्छा, चमड़ी बिल्कुल बंद थी। हाँ। फिर डॉक्टर साहब भी कर गए? डॉक्टर साहब कर गया तीन दिन बाद में, तीसरे दिन। अच्छा अच्छा, गैस निकलना चालू हो गए ना, तो फिर पंद्रह एक दिन तो रिया या थोड़ा 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 आबो करियो, और फिर बाद में वो भी गाँव भर गया तो वो भी फिर वापस बराबर हो गए। हाँ, फिर वापस हो गए। हाँ, फिर वापस एक बार रोज ही कर गया। अच्छा, अब फिर ही तो वापस गाँव भर आया। अब तो बस यहाँ मान लो सुई दे बजती सी की। अब ये देखो कितना सा छेद है, गोबर करने का छेद ही नहीं है, बिल्कुल बंद है। और ये भी डॉक्टर साहब ने शुरुआत में जब ये जन्म लिया था तो कुछ थोड़ा बहुत करके गए थे। ये देखिए इससे गोबर कैसे आएगा, ये देखिए बिल्कुल बंद है ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक गांव में लेके आया हूँ, शाहपुरा में। दोस्तों एक भैंस ने एक पाड़े को जन्म दिया है और उस पाड़े के दोस्तों गोबर करने का छेद नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर लोग आए हैं, दो तीन डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे, वही सब मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों कैसे वो छेद करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। दोस्तों जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि पाड़ा किस स्थिति में है क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये है पाड़ा। ये कब कब डॉक्टर साहब कब जन्म लिया था इसने? 13 तारीख का वाली दिन, 2 महीना हो जाएगा। 13 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखिए दोस्तों ये जो 13 तारीख आने वाली है अप्रैल की, तो 13 तारीख को 2 महीने का हो जाएगा। और इसके यानी कि गोबर निकालने का छेद भगवान ने नहीं बनाया है, कुदरत ने क्या करिश्मा किया है। तो ये देखिए डॉक्टर साहब आए हैं और ऑपरेशन करेंगे, ये कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं दिखाते हैं आपको। तो डॉक्टर साहब इतने दिन पहले आपने क्यों नहीं किया इसका इलाज? इसके है जो एक बार छोटा सा छेद ब्लेड से चीरा लगा के अच्छा अच्छा कर दिया था, तो उससे हल्का सा गैस निकलना थोड़ा थोड़ा निकल गया था, मगर वो सक्सेस नहीं है। अब आज इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, डाल लेना। तो इसको बेहोश करोगे आप? नहीं, लोकल एनेस्थेसिया ही करेंगे, इसको पूरे को बेहोश नहीं करेंगे। अच्छा, पीछे पीछे पीछे, पीछे से बेहोश करेंगे वहां से इसको। तो जी इनका माला भी छाबत बोले आओ ना। नहीं बोल बेटा, बोल लेकिन आई आऊं इनका माला ले लें। कुत्ता पाले कट्टा कट्टा ले ये ओ नडे से छाया में कर लो इसको, छाया में। नमस्ते बेटे, नमस्ते। ये बोला ये जो पाड़ा है ये इसका पूजा का। आपका क्या बेटी पाड़ा है? इसका नाम निकाल के क्या नाम इसका? गुड्डू। गुड्डू या गुड्डू का ही कर्म को है। गुड्डू है इसका नाम, गुड्डू नाम निकाल रखा है। और क्यों उठा कर एक माला इन्हें पटको है ना, ला दो और वैसे तो स्वस्थ है ना डॉक्टर साहब ये? हाँ भैया, तो निकल जाए या कोना की वाला यहाँ वो जाओ सब। हाँ, पकड़ चुप पकड़ क्या? सही है सही है। हाँ सही है। देखिए डॉक्टर साहब ने सब औजार पाती रख लिए, कैंची वगैरह, बैंडेड, ट्यूब वगैरह, चाकू, छुरे, पोती पत्री क्या क्या होती है, इन्होंने सब कुछ रख लिया। देखिए तो साहब आप, आपका क्या नाम है? कान्हाराम गुर्जर। कान्हाराम गुर्जर, कितने साल हो गए आपको? मतलब ये पाँच ईयर्स हो गए। और सर आपको? 17 साल। 17 साल। तो आपने अपने इस पीरियड में ऐसा देखा है क्या कभी कोई और भी पैदा हुआ कि यही हुआ है ऐसा? पहले एक और गया था ऑपरेशन। अच्छा अच्छा, बहुत से साथ। हजारों में क्या लाखों में एक होता होगा ऐसा? नहीं नहीं इतना तो नहीं है। तो साल में एक दो आ ही जाते हैं ऐसे। साल में एक दो आ जाते हैं। हाँ। और वो सक्सेस हो जाते हैं। अब ये ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा? ऑपरेशन 100% सक्सेस होगा।
ये क्या कि उस दिन है इसकी गैस भी नहीं निकलती तो मर जाता है, इसलिए टाइम नहीं था और जल्दबाजी में थोड़ा सा चीरा लगा के गैस निकाल के। अब इसमें रास्ता इतना ही है, ये प्रॉपर कर नहीं सकता। अच्छा। थोड़ा सा भी यदि मल सूख जाता है ना तो फिर ये बस अटक जाता है, अटक जाता है। अब इसमें है जो सीधी रेंज पूरा हो जाएगा ना। ये देखिए डॉक्टर साहब अब इंजेक्शन लगाएंगे, किस चीज़ का है डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन? ये एनेस्थिया है, ये सुन्न हो जाएगा, इससे सुन्न हो जाएगा। पीछे पीछे से जहाँ आप ऑपरेशन करोगे वहाँ वहाँ से सुन्न होगा ये। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा ऊपर इससे ये जेल है, ये जेल है, इससे क्या होगा? ये भी एनेस्थिया का काम ही करती है, ये भी हाथ सुन्न का, ये भी सुन्न का ही करती है। ये ऊपर है मल्लम के, थोड़ा इधर को मालूम नहीं इसको। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी यानी कि गोबर करने का छेद ही नहीं है, बिल्कुल बंद है। और ये भी डॉक्टर साहब ने शुरुआत में जब ये जन्म लिया था तो कुछ थोड़ा बहुत करके गए थे। ये देखिए इससे गोबर कैसे आएगा, ये देखिए बिल्कुल बंद है ये। ये छेद जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल नहीं था, नहीं बिल्कुल चमड़ी है बरोबर जी। अच्छा चमड़ी बिल्कुल बंद थी। हाँ। फिर डॉक्टर साहब भी करके डॉक्टर साहब कर गया तीन दिन बाद में, तीसरे दिन अच्छा अच्छा गैस निकलना चालू हो गए ना। तो फिर 15-1 दिन तो रिया या थोड़ा 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 आबो करियो और फिर बाद में वो भी गाँव भर गया तो वो भी फिर वापस बराबर हो गया। हाँ फिर वापस हो गया। हाँ फिर वापस एक बार रोज कर गया। अब फिर ही तो वापस गाँव भर आया। अब तो बस यहाँ मान लो सुई दे बजती सी की। अब ये देखो कितना सा छेद है, बोल बात बेटा कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बढ़िया ही, साइड पकड़ो, पूजा पकड़ो, पैर पकड़ लो इसके पैर उधर से। राम दा बाबा तो डॉक्टर साहब ये बाहर से ही बंद है, अंदर से मतलब जो इसका द्वार होता है वो तो होगा ना इसके अंदर? आगे तक पूरा इतना ही बंद है जितना बाहर है ना, उतना भी अंदर भी उतना ही बंद है। अंदर तक बंद है पूरा, आगे तक कम से कम 5 इंची तक अंदर तक। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों डॉक्टर साहब से मैं आपका परिचय कराता हूँ। हाँ तो डॉक्टर साहब आप ये ऑपरेशन करोगे तो आप अपना परिचय बताओ पहले तो। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं यही पास खड़ी हूँ लेट का पास। अच्छा अच्छा, शाहपुरा में? शाहपुरा जयपुर जिले में, जयपुर जिला शाहपुरा। अच्छा तो आपने पहले भी किया था ऐसा ऑपरेशन? खूब किए हैं, पता नहीं याद ही नहीं कितने किए हैं, याद ही नहीं। और सर आप भी अपना नाम बता दो, क्या नाम है आपका? कान्हाराम गुर्जर। कान्हाराम गुर्जर जी, तो आपने भी ऐसा ऑपरेशन पहले किया था? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कर रहे हो सर के साथ? फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अच्छा जी, और एक ये छोटे डॉक्टर साहब हैं, ये थोड़े अभी सीखने लग रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ, सीख रहे हैं। और ये इनका नाम पूजा है, पूजा बेटी इनका है ये पाठ। आपका क्या नाम है जी आपका? गेंदी देवी। गेंदी देवी, तो ये भैंस आपकी है मतलब है? हाँ, मेरी। तो 3 महीने पहले इसने जन्म लिया था? नहीं, 13 तारीख को 2 महीने होंगे। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे, अपनी क्रिया कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है दिखाते हैं आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। अब ये सुन हो गया पीछे से, तभी नहीं हिल रहा है।
कौन सा है? तो ज्यादा तेरी फोटो लो ली। इनको बांट गाल रहा है ऐसा। गाल दे सिंगर दे। थोड़ी सी। बराबर ले जा इसके बराबर एक इंच दोस्तों ऑपरेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी इसलिए वीडियो भी ज्यादा लंबा हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो का आगे का पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में दिखा पाऊंगा। तो दोस्तों आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए और हाँ दोस्तों वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।